कोरोना वायरस के बढ़ते मामले दुनिया भर में चिंता का विषय बने हुए हैं। इसका इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं। भारत में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी के उपाय संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। इनमें 31 मार्च तक शिक्षण संस्थान बंद रखने सहित धर्म, कारोबार, यात्राओं जैसे सभी क्षेत्रों के लिए सिफारिश दी गई है। अब आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार ये सोशल डिस्टेंस है क्या? आइए जानते हैं क्या है सोशल डिस्टेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किनके लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोशल डिस्टेंस का सामान्य अर्थ लोगों से दूरी बनाए रखना है। कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय शुरू से ही भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की अपील कर रहा है। सामाजिक आयोजनों में लोगों की भीड़ होती है और सबकी स्क्रीनिंग यानी कि जांच करके प्रवेश देना मुमकिन नहीं होता। भीड़ में ये भी पता नहीं होता कि कौन बस, मेट्रो या ट्रेन से आ रहा है या फिर कहीं पहले से संक्रमित होकर तो नहीं आ रहा। ऐसे में सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी रखना बेहतर विकल्प है। ये कैसे रखी जा सकती है, आइए ये भी जानते हैं। धार्मिक और कारोबारी आयोजन, क्षेत्रीय अधिकारी विभिन्न धर्म के नेताओं और प्रभाव रखने वाले लोगों से मिले, उन्हें बड़ी भीड़ जुटने के खतरे भी बताएं। जमा हुए लोगों में 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित करवाएं। व्यावसायिक गतिविधियों में ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रखवाएं। खरीदारी के पीक आवर्स में भीड़ कम करवाएं। संगठनों और संबंधित समूहों से मिले। कारोबार का समय तय करें। सब्जी, अनाज मंडियों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन में जागरूकता अभियान चलाएं। ऑनलाइन या बाजार से सामान और सेवाओं की डिलीवरी देने वालों को संक्रमण से विशेष सुरक्षा दिलवाएं। हाथ धोने के प्रोटोकॉल का पालन करें। होटल और रेस्तरां, उन जगहों को लगातार साफ करवाएं जहां लोग बार बार हाथ लगाते हैं। खाने की टेबलों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। संभव हो तो खुले में बैठने की व्यवस्था करें। सामाजिक और खेल आयोजन, पहले से तय शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित करें। कोई सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन जरूरी नहीं तो आयोजन या भागीदारी से बचें। खेल आयोजकों से क्षेत्रीय अधिकारी बात करें। भीड़ न जमा होने दें, संभव हो तो आयोजन टाल दें। यात्रा करने वालों और अस्पताल के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, ट्रेन, विमान आदि से यात्राएं टाल दें। संबंधित विभाग इन साधनों की सफाई करवाएं। संक्रमित मरीज से परिवार, मित्र, बच्चों को मिलने से रोकें, हाथ मिलाने से बचें और सफाई और दूरी का पूरा ख्याल रखें। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।